हेलो फ्रेंड्स, एंड इन द नेक्स्ट एपिसोड और यू कैन से सीरीज ऑफ टेकिंग अप द क्वेश्चंस, वी आर टेकिंग अप हियर 5 क्वेश्चंस इन वन गो एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लिंक विद इट विद सिंपलिसिटी एंड विद ऑनेस्टी दैट व्हाट मैक्सिमम वी कैन लर्न. इट्स एडवाइजेबल दैट वी मस्ट गो थ्रू द प्रीवियस एपिसोड्स. वन मस्ट ट्राई टू गो एटलीस्ट 1 वीक बिफोर. सो इफ यू वॉन्ट टू से फॉर एग्जाम्पल यस्टरडे इज लर्निंग, सो यू शुड लर्न टू सी 1 वीक बिफोर यस्टरडे एंड सो ऑन. By that means you will be able to cover all the videos and also able to bring the change. But let's see how we are able to factor it in everyday learning and writing. Kya wo possible hai? That's what we want to see and have a look. So gendered attitudes convert differences in sexes into discriminations. बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, बट इट इज अ वेरी वेरी एनालिटिकल स्टेटमेंट. और ये स्टेटमेंट आपके माइंड सेट, आपके बिहेवियर और आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट पर डिपेंड करता है कि कैसे आप इसको देखोगे. एग्जामिन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड वुमेन सोसाइटी. सेकंड पार्ट आसान है, थर्ड पार्ट जो है एटीट्यूड चेंज कैसे किया जा सकता है. यानी 3 पार्ट्स हैं, जनरली 3 पार्ट होते भी हैं. सो मैन, ऑल मैन आर बॉर्न इक्वल एंड फ्री. अब ये स्टेटमेंट हमने दिया, लेकिन हम अगर ये बोल रहे हैं कि ऑल मैन आर बॉर्न इक्वल, इसकी जगह हम कोई ऐसा स्टेटमेंट लेते जिसमें मेल और फीमेल डायरेक्टली हम ऐसा करके लिखते, तो वो भी और ज़्यादा बात होती. जेंडर्ड एटीट्यूड है, यानी कि जेंडर्ड एटीट्यूड पे पहले फोकस करना था, थोड़ा सा लेके आना था कैसे बाय डिफॉल्ट हम कोई चीज मेल और कोई चीज फीमेल मान लेते हैं. कि पिंक कलर गर्ल्स को पसंद आएगा और लड़के तो मैचो होते हैं, बॉय लव कार्स, तो ये जेंडर्ड एटीट्यूड है ये. और धीरे धीरे ये डिस्क्रिमिनेशन में कन्वर्ट हो जाता है. तो दैट इज हाउ, ठीक है, द बिगिनिंग कोट इज ओके. सो नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन इज रिफ्लेक्टिव फ्रॉम इवन हिंदू टेक्स्ट. ये यहाँ पर रॉन्ग पोर्ट्रे हुआ है. और हिंदू टेक्स्ट की जगह अगर आप मान लो लिखते माइथोलॉजिकल या फिर आप लिखते एपिक, लिखते तो एपिक है वो, टेक्स्ट नहीं है. और द्रौपदी का हरण नहीं था, और द्रौपदी का चीर हरण है. और चीर हरण भी जो था वो, मतलब उसका अब कैसे एग्जाम्पल अप्रोप्रिएटली यहाँ पे पुटअप होगा, ये इट्स अ मैटर ऑफ थिंकिंग. सोच के ठीक लिखा गया, लेकिन यहाँ पे ऐसे फिट नहीं होगा. जेंडर्ड एटीट्यूड में आप ये कह सकते हैं कि सीता को अगर आप सिर्फ वीक दिखाएंगे या फिर आप, लेकिन इतने बड़े टेक्स्ट को ऐसे एलिमेंट में लेके आना बहुत ज्यादा बैकफायर भी कर सकता है इफ यू आर नॉट एबल टू पोर्ट्रेट करेक्टली. सो इट इज नॉट फिटिंग ओवर देयर. एंड इंटरमिक्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल. बिल्कुल सही बात, डोमिनेशन ऑफ मेल इन सोसाइटी लिखना चाहिए था. मेल शॉविनिज्म वो अभी भी है, आप मिडिवल की बात छोड़िए. सॉफ्ट स्किल्स ऑफ फीमेल्स हैव पोर्ट्रेट देम एज वीकर. ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, आप बताइए कैसे. लिमिटेड रोल ऑफ वुमेन ओनली टिल हाउसहोल्ड चोर्स एंड नॉट टेकिंग केयर ऑफ एंड टेकिंग केयर ऑफ फैमिली. इसको दूसरे तरीके से लिख सकते थे कि कैसे, मतलब फैमिली का जो फैमिलियल जॉब्स हैं, पोस्ट कोविड चेंज हुआ है लेकिन इतना ज्यादा नहीं, कुछ चेंजेस तो आ रहे हैं. वुमेन रूल, वुमेन लॉज हैं, वुमेन रूल्स हैं, कमिटीज हैं, थिंग्स आर चेंजिंग एंड देयर हैव बीन इंस्टीट्यूशंस जहां वुमेन है फर्स्ट टाइम. जैसे इवन अगर अभी की बात करें तो फर्स्ट वुमेन CISF डायरेक्टर जनरल, एक IPS ऑफिसर हैं. उसके बाद माधवी बुद्ध जैसे आपकी सेबी की चेयरमैन है. देयर आर ग्लास सीलिंग्स विच आर बीइंग ब्रोकन. अभी थोड़े टाइम पहले हमने रेलवे बोर्ड चेयरमैन की बात पढ़ी थी कि शी इज द फर्स्ट वुमेन. तो देर आर लाइक दैट इवन इन आर्मी वो भी हो रहा है, तो लास्ट पार्ट में वो आ सकता था. फैमिली आर रिगार्डेड एज, वुमेन इज रिगार्डेड एज ऑनर ऑफ द फैमिली एंड वो गलत नहीं है, लेकिन आप उसको उस तरीके से कैसे देखते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर वुमेन आर डेफिनेटली ऑनर ऑफ द फैमिली, एवरी इंडिविजुअल इज ऑनर ऑफ द फैमिली, बट लेकिन फीमेल इज द टेम्पल ऑफ डिग्निटी, उस तरीके से आप देख सकते हो. तो आउटकम ओवरकमिंग द नेगेटिव एटीट्यूड के लिए सबसे पहले लेजिस्लेटिव में जैसे आपने बताया, तो उसके लिए सबसे पहले लेके आइए यहाँ पर कैसे आप 33% रिजर्वेशन है, कैसे वो इम्प्लीमेंट होगा, वो सबसे बड़ा एलिमेंट है. कैसे पंचायती राज में है और कैसे लोकसभा और राज्य, मतलब लोकसभा और असेंबलीज में भी हो जाएगा. प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट इज अ गुड एग्जाम्पल. सोशल एंड फैमिली सपोर्ट कैन इनकरेज वुमेन टू कम फॉरवर्ड स्ट्रांगली. इसको और आउटपुट कर सकते हैं कि जब आप वुमेन को एजुकेशन देंगे, वुमेन को रोटी मिलेगी, और जब उसको बेसिक जैसे अभी लाडली बहना स्कीम और आपका फिर जो है हर स्टेट के अंदर एक गर्ल को साइकिल है या फिर लैपटॉप है या टैबलेट है, और या फिर जो है प्रोत्साहन करने के लिए उनके लिए कस्तूरबा बालिका विद्यालय जैसे एलिमेंट्स है, तो वो लेके आना चाहिए. सिनेमा में, सिनेमा का आप कह सकते हैं कि OTT प्लेटफॉर्म भी है और दूसरा भी है, तो पोर्ट्रेयल से फर्क पड़ता है. इज अ गुड एग्जाम्पल. इक्वल पे फॉर इक्वल लोग इज करेक्ट, स्टेम इज करेक्ट, स्ट्रक्चर शिफ्ट. तो इकोनॉमिक पार्ट इज मोर you know comprehensive and also it on track with respect to the answer rather than the first two parts. चलिए next. लेकिन इसमें भी लास्ट में, क्योंकि एथिक्स का आंसर है, तो आपको एथिकल एलिमेंट और एथिकल एटीट्यूड से लास्ट में कंक्लूजन करना चाहिए, जो यहाँ पर मिसिंग है. तो आइडियाज तो आए, पहले से अच्छे भी आए, कोशिश भी हुई, लेकिन वो पूरी तरह से भी कामयाब नहीं हुई. हाउ आर एथिकल कंसर्न्स एंड वर्क कल्चर ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. जो एथिकल कंसर्न्स हैं और वर्क कल्चर है,
पब्लिक इंस्टीट्यूशन का, तो पब्लिक इंस्टीट्यूशन को फोकस में रखना है, दोनों का क्लासिफिकेशन भी करोगे तो पूरे मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि वो कह रहा है पब्लिक इंस्टीट्यूशन प्राइवेट से डिफरेंट कैसे है। वो ये नहीं कह रहा कि क्लासिफाई बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, तो यहाँ पर भी आधा एक नंबर कम हो जाएगा। डायरेक्टली ये लिखने की जगह पब्लिक और प्राइवेट की जगह बहुत अच्छा लिखा है, मोटिव लिखा है, गवर्नेंस लिखा है, सिलेक्शन लिखा है, इसको पैराग्राफ फॉर्म में होना चाहिए और पब्लिक को सेंटर में रखना चाहिए और प्राइवेट को निगेट करना चाहिए। उसके बाद जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, जो ये बोल रहा है कि कैसे पब्लिक और प्राइवेट जो अब बात हो रही है कि ऑडिट सिलेक्शन गवर्नेंस मोटिव बेसिस, ये इसमें पब्लिक का कैसे आप लेके आएंगे, दैट इज बीइंग द क्वेश्चन इज आस्किंग। आगे चलिए, तो डिवीजन से हमारा ये हल्का सा लॉस है, अदरवाइज डेफिनेटली द अटेम्प्ट एंड द इंटेंशन इज करेक्ट। चलिए, कैन यू मूव फॉरवर्ड प्लीज, बी क्विक। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेजर्स के जो है वो ट्रांसपेरेंट है, कलेक्टिव है, इफेक्टिव है, क्विक टू अडॉप्ट है। बहुत मुश्किल है क्विक टू अडॉप्ट तो, क्योंकि अभी भी हमारे बहुत सारे ऐसे हैं रेगुलेटरी या गवर्नेंस मैकेनिज्म के पार्ट हैं जिनको एड्रेस करने के लिए ट्रांसपेरेंसी चाहिए, और जहाँ पे प्रॉब्लम है उसके लिए सेंसिटिविटी चाहिए, वो हमें प्रॉपरली डालना है। तो ह्यूज वैकेंसी, एक्सपर्टीज ओवर जर्नलिस्ट एंड टेलिंग टेक्नोलॉजिकल यूज, तो ठीक है बाद में अच्छा आया, लेकिन वही बात है कि एथिकल एथिकल पर्सपेक्टिव को लेके आना है, वो माइंड में रखना है कि एथिक्स की आखिर डिमांड जनरल स्टडीज से कैसे अलग होती है। एथिक्स की डिमांड ऐसे अलग होती है जैसे आप चाय पत्ती छानते हैं, तो चाय जो है उछल के नीचे जाएगी, जनरल स्टडीज तो जो बच गया वो जो है वो है आपका एथिक्स, तो आपको कोर में पीछे लेके आना है, तो थोड़ा और फर्क पड़ेगा। बिसाइड्स ऑब्जेक्टिविटी, सिविल सर्वेंट ऑल्सो एथी एंड कंपैशन, कैसे ये समझाने वाली बात है, एथिकल डिलेमास के साथ डिस्कस करिए, यानी कि एम्पैथी और कंपैशन पे फोकस करना है। ऑब्जेक्टिविटी, एम्पैथी, कंपैशन, ठीक बात है। ऑब्जेक्टिविटी, मैरिट बेस्ड डिसीजंस, ग्रेटर गुड, इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता है जब चार तरीका का प्रेशर आता है। पोल्यूशन कंट्रोल की बात है, या फिर बात कीजिए आपको किसी 15 साल से ज्यादा की गाड़ियां बंद करनी है, तो ऑब्जेक्टिविटी लेके आनी है, लेकिन उसके बाद नुकसान भी लोगों का होगा। एम्पैथी में वही है कि इज इट एबल टू रीच द बेनिफिशियरी, क्या सारी चीजें हो पा रही हैं, क्या सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हो पा रहा है। गवर्नेंस, रिड्रेसल, इक्वलिटी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इन वर्ड्स के साथ आपको एक इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है, तो आप अपनी बात को कन्वे कर पाएंगे। चलिए आगे, यानी चीज तो आ गई लेकिन हम फिर भी कन्वे नहीं कर पा रहे। रोल ड्यूरिंग लॉकडाउन, हेल्प द गवर्नमेंट मशीनरी टू फंक्शन वाया डोर स्टेप डिलीवरी, राशन, स्मूथ फ्लो ऑफ एसेंशियल्स, कीपिंग ए चेक ऑन होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग, बहुत अच्छी बात है, अच्छा है ये एग्जाम्पल। ओडिशा मॉडल ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी गुड एग्जाम्पल, एंड थोड़े छोटे हो सकते हैं पैराग्राफ्स, थोड़े छोटे हो सकते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो ए नाइस वे, सीईओ कंपैशन, एम्पैथी, ऑब्जेक्टिविटी फॉर्म्स, आई थिंक आई लाइक इट, दिस इज अ गुड वे टू पुट इट अप। आंसर के अंदर थोड़ी सी और कनेक्टिविटी आए और थोड़ी क्लैरिटी आए तो अच्छा रहेगा। लीडरशिप इज एसेंशियली टास्क ऑफ परसुएशन, हाउ डज एबिलिटी टू परसुएड अदर्स हेल्प सिविल सर्वेंट इन प्रमोटिंग देयर ड्यूटी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5 क्वालिटी पूछी है जो कि आपको एजेंट्स ऑफ परसुएशन बनाते हैं, जस्टिफाई भी करते हैं। लीडरशिप स्किल, सिविल सर्वेंट की एबिलिटी है टू म्यूटेट द नेचर ऑफ लीडरशिप एज पर द सिचुएशन, बहुत अच्छा लिखा है। इट हेल्प्स अबाइडिंग बाय द रूल्स लाइक ट्रैफिक रूल्स, टू हेल्प इन ट्रैफिक मैनेजमेंट, अवॉइड रोड एक्सीडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेलमेट्स, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ट्रांसफॉर्मिंग एटीट्यूड ऑफ पीपल, फॉर एग्जाम्पल गिविंग रोल टू वायर फॉर जंपिंग रेड लाइट एंड नॉट वेयरिंग हेलमेट, सेम एग्जाम्पल मत दीजिए, दूसरा दीजिए, स्वच्छ भारत अभियान इज अ गुड एग्जाम्पल। इंसेंटिवाइजिंग ऑनेस्टी, एमनेस्टी स्कीम फॉर डिक्लेरेशन ऑफ इनकम, बेनामी प्रॉपर्टी फॉर टैक्स पेयर्स, बहुत अच्छा बात है। 5 क्वालिटीज हम्बल, एंड दिस आंसर इज मच मोर ऑन ट्रैक, मच मोर मॉडल आंसर, एम्पैथी, एंटिसिपेशन ऑफ फोरसाइट, रेशनैलिटी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, लेकिन वो जस्टिफाई करने को बोल रहा है, तो आपको 2 लाइनों में लिखना चाहिए था कि कैसे अगर ये चीजें मिसिंग हैं, तो क्या वाकई में देश जो बात करता है 5 ट्रिलियन इकॉनमी, देश जो विकसित भारत की बात करता है, देश जो बात करता है पॉवर्टी हट जाएगी, तो आप बस लिख के बोल सकते हैं कि ये गोल जब ही पूरे हो सकते हैं जब ये सारे एलिमेंट हो, इसके बिना लिखे मेमोरी का यूज हुआ, लेकिन जो क्लैरिटी, जो हैप्पीनेस डिफरेंस होना चाहिए था उसका यूज नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट, पीस इज नॉट मेयर एब्सेंस ऑफ वॉर, इट इज प्रेजेंस ऑफ जस्टिस, बिल्कुल सही बात है। व्हाट डज इट मीन टू यू, पीस इज मोर देन एब्सेंस ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट, बिल्कुल ठीक बात है। वॉर हैपेंस ड्यू टू अ सेंस ऑफ इनजस्टिस, ठीक बात है। पीस मस्ट बी जस्ट एंड ड्यू इन नेचर, द वीक एंड बैकवर्ड मस्ट बी प्रोटेक्टेड एंड डिस्क्रिमिनेशन इन एंड इनइक्वालिटी, विक्ट्री ऑफ प्रिंसिपल्स, इंडिया हैज प्रमोटेड वासुदेव कुटुंबकम, नॉन अलाइनमेंट, मल्टी प्रॉक्सी वॉर इज वर्सेस ह्यूमन राइट्स, विजिबल इन इजराइल हमास वॉर, अपार्थाइड इन अफ्रीका, आई थिंक बहुत अच्छा लिखा, बहुत इनोवेटिव है, गुड आइडिया, क्लैरिटी है। पीस इज क्रिएशन ऑफ इन इक्वल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी, डीक्रिमिनाइजेशन होमोसेक्सुअलिटी, आई थिंक आई लाइक इट, दिस इज वंडरफुल। लेकिन अब इन आंसर के अंदर आप कभी थिरुवल्लुवर, कभी यू नो जॉन रॉल, कभी उसके अंदर फिर मैकेविली, कभी कौटिल्य, कभी कुछ ना कुछ आपको लेके आना चाहिए, तभी आप औरों से अलग हो पाएंगे, क्योंकि ये तो फिर भी लेके आना आसान है, लेकिन उसके बीच में आप
अहिल्या बाई से लेकर सावित्री बाई फुले से लेकर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, विवेकानंद, कुछ तो लाओ भाई। वो लाने से ही आपका और ज्यादा डिमांड अच्छा होगा। जेंडर एटीट्यूड पे हम दोबारा आते हैं। तो बिफोर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन इन इंडियन सोसाइटी आर सोसाइटल नॉर्म्स। अच्छा वर्ड है ये, बहुत अच्छा लिखा। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, फीमेल ड्यूटी ऑफ हाउस होल्ड चोर्स वर्सेज रिप्रोडक्शन एंड रीयरिंग ऑफ चाइल्ड। आई थिंक वंडरफुली पुट अप, पहले आंसर में भी था लेकिन ये वर्ड ज्यादा अच्छे हैं। अडॉप्शन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ मेल डोमिनेंस, बिल्कुल ठीक बात है, सोशल बिहेवियर मान लेते हैं हम। एंसेस्टर प्रॉपर्टी का राइट, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। सीरोटाइपल पितृवंश परंपरा, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया पितृवंश परंपरा का। जो हम कहते हैं लड़की वंश नहीं चलाती, लड़का ही वंश चलाता है, हमें तो छोरा चाहिए, लड़का चाहिए। मेल मेटा मेल सिंड्रोम कहते हैं इसको। सोशल टैबू स्टिग्मा टुवर्ड्स मेंचुरेशन, आई थिंक आई लाइक दिस, इज ऑल्सो वंडरफुल एंड ए वेरी वेरी बर्निंग एग्जाम्पल। पीरियड्स और अभी मेंचुरेशन साइकिल की बात तो पार्लियामेंट में भी हो रही थी व्हेन मिनिस्टर स्मृति ईरानी वाज स्पीकिंग अप कि पीरियड में लीव्स होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। एटीट्यूडनल चेंज टुवर्ड्स वुमेन इन इंडियन सोसाइटी थ्रू वेरियस मीन्स, बिल्कुल, पेरेंटल, नॉन बायस, स्टीरियोटाइपिकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट टुवर्ड्स ऑल जेंडर, एंड देन मेंशन रिप्रोडक्शन नॉट कंसिडर बैड एज नथिंग मेंशन इन अबाउट इन सच आवर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। बिल्कुल ठीक बात है। रादर देन बीइंग साइलेंट विक्टिम देयर इज नीड टू अवेकन द राइट्स। आई थिंक परफेक्टली मोल्डेड, द आंसर इज परफेक्टली मोल्डेड, ऑन ट्रैक, वंडरफुली रिटन। दिस इज गोइंग टू फेच मोर मार्क्स देन द प्रीवियस वन व्हाट वी हैव रिटन। एथिकल कंसर्न्स एंड वर्क डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, पार्शियलिटी वर्सेज इम्पार्शियलिटी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस मोर इम्पार्शियल एज कम्पेयर टू पब्लिक ड्यू टू सिक्योरिटी ओवर पोस्ट। तो अब ये थोड़ा बताने में आपकी गलती हुई है, ऐसा नहीं है। इम्पार्शियल तो हम कोशिश करते हैं कि सरकारी इम्पार्शियल होना चाहिए। दवाई बांटते हैं, सामान बांटते हैं, पेपर पास होता है, तो सारे सरकारी में इम्पार्शियलिटी है। बल्कि बल्कि उसके अंदर एक इक्विटी भी है, प्राइवेट में जरूरी नहीं है वो। प्राइवेट का काम है प्रॉफिट मोटिव, जो सरकारी का काम नहीं है। परफॉर्मिंग फंक्शन आपने नेक्स्ट में बोला, ओरिएंटेड टुवर्ड्स मनी मेकिंग, बिल्कुल ठीक बात है। टाइमली परफॉर्मिंग फंक्शंस, पब्लिक वन आर परफॉर्मिंग फंक्शंस, वो फ्रेंड नहीं है, आप कहिए वेलफेयर का उनका काम है, उनका समाज में परिवर्तन का काम है, उनका काम है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी हो, आखिर के आखिर आदमी को चीज मिलनी चाहिए। सरकार वापस नहीं भेज सकती, प्राइवेट वापस भेज सकता है। सो लॉ अबाइडिंग वर्सेज लॉ ब्रेकर, ऐसा भी नहीं आप बोल सकते कि प्राइवेट लॉ ब्रेकर है, उनके साथ आपको एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एक क्लैरिटी के साथ एक मिडल पॉइंट लेना चाहिए। परसुएसिव वर्सेज एडवाइजरी, ये भी थोड़ा ज्यादा हो गया, दोनों ही परसुएसिव है, दोनों ही एडवाइजरी भी है। करप्शन वर्सेज ट्रांसपेरेंसी दोनों जगह है, बल्कि आपको आपको दूसरे एंगल लेके आने चाहिए कि कैसे जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो काम करेंगे जिनसे प्रॉफिट हो ना हो लेकिन जो जनता के लिए जरूरी है। इसीलिए पीएसयूज ने बेस बनाई और प्राइवेट सेक्टर उसके ऊपर थ्राइव करा, तब जाके 90s में हमारा देश ओपन हुआ मिक्सड इकोनॉमी के बाद, जब हम लिबरलाइजेशन की बात करते हैं। अदरवाइज पीएसयूज ने शुरू में कोई ऐसी लग्जरी गुड्स नहीं बनाए, पीएसयूज ने वो गुड्स बनाए जिनसे लोगों का घर चला। जो काम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करता है वो काम हम अभी किसी प्राइवेट सेक्टर को नहीं दे सकते हैं। इसीलिए आपको देखना पड़ेगा कि पीएसयू जो है वो देश के लिए है। इंसास राइफल से लेकर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से लेकर हम बात करते हैं, भाई महिंद्रा जी थार बना के वीडियो डाल रहे हैं, ऐसा हम पीएसयू के लिए नहीं कर सकते ना। पीएसयू का काम तो दूसरा है। पीएसयू का काम तो ये भी है कि भाई जो सियाचिन में या जो अंडमान निकोबार के लास्ट कोने में जो जवान खड़े हैं उनको कौन सा ड्रेस मिलेगा, उसके लिए अब पब्लिक सेक्टर भी आ रहा है, प्राइवेट सेक्टर भी आ रहा है, लेकिन आपको एम्पैथी वाले वर्ड और जो क्लैरिटी से लेके आना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो इस आंसर में थोड़ी सी समझना पड़ेगा कि क्या चाहिए। चलिए आगे, सिविल सर्वेंट्स की जब हम बात करते हैं, एथिकल डिलिमा, अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स पब्लिक, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक फंड्स में प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, अनरीजनेबल यूज नहीं होना चाहिए, कमिटमेंट टू वर्क फॉर डिपार्टमेंट, फॉर एग्जाम्पल आईएएस ऑफिसर्स लेफ्ट एज वैल्यू इम्बेड इन देम फॉर कैटेगोरिकल मिशन ड्राइवर नॉट पर्सनल फुलफिलमेंट। ठीक है, कोशिश कर रहे हो, और अच्छी वोकैबुलरी आएगी और क्लैरिटी आएगी, अभी इतनी है नहीं। कंपैशन फॉर पुअर एंड डाउनट्रोडन, आइडिया ऑफ इक्विटी मस्ट बी प्रमोटेड, नॉट इन इक्वलिटी, फॉर एग्जाम्पल पॉलिसीज एंड स्कीम्स इंप्लीमेंटेशन चेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिविल सर्वेंट विद मोरल कैरेक्टर। थोड़ा छोटा लिखिए, थोड़ा सा और कोशिश कीजिए, अच्छी कोशिश है। सिंपैथी वर्सेज एम्पैथी इज अ गुड पॉइंट, दिस कैन बी टेकन अप। हैंडमेड एलिमेंट सेंडिंग एस्को यू नो दे आर बींग सोल्ड और दे आर बींग यू नो द टेकन अप बाई एनजीओस, स्ट्रीट वेंडरिंग की जो बात है, अच्छे एग्जाम्पल है। कोशिश अच्छी की, हुनर हार्ट, कल्चरल इंटीग्रिटी, सो ओवरऑल इंटेंशन बहुत अच्छा है इस आंसर में भी, लेकिन अभी कुछ क्लैरिटी आनी बाकी है। लीडरशिप की जब हम बात आते हैं इस क्वेश्चन पे, जैसा हमने पहले देखा अफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है, उसके बाद आपने बता भी दिया लिसनिंग एक्टिवली। जब आपने इतना बड़ा बता दिया एग्जाम्पल, इतना बड़ा देने की फिर जरूरत नहीं है, या तो बताइए छोटा एग्जाम्पल बड़ा, एग्जाम्पल छोटा तो वो बड़ा, दोनों चीजें बड़ी नहीं हो सकती।
इंटीग्रिटी एंड फ्रेंडलीनेस टू इनकरेज एंड क्रिएट सीन ऑफ बिलोंगिंगनेस. फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट संजीवनी इन हिमाचल प्रदेश टू एनहेंस लाइन्स ऑफ फार्मर्स यूटिलाइजिंग टेलीमेडिसिन एंड टेक्नोलॉजी. तो ठीक है, गुड एग्जाम्पल. ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर थ्रू, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है. प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड इज अ गुड पॉइंट. आई लाइक द पॉइंट नंबर 3. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आपने उसमें बताया एयरप्लेन हाईजेक की बात की, या थ्रेट ऑफ टेररिज्म की बात की, रिस्पॉन्सिबिलिटी के एक्सेप्ट करने की बात की, फिर आपने कल्चरल सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कॉलेज इवन आई डू नॉट नो हाउ टू डू, तो टेक इनिशिएटिव. तो अच्छा समझा रहे हो, लेकिन धीरे धीरे लिख लिख के आप छोटा लिखेंगे, फिर आप और क्लैरिटी से लिख पाएंगे. लेकिन एग्जाम्पल्स और थिंकिंग इज ऑन ट्रैक. डेवलपमेंट थ्रू सोशलाइजेशन स्ट्रगल साइकोलॉजिकल एंड सोशल चेंज. आपने सोशलाइजेशन का एग्जाम्पल दिया, ट्राइबल का दिया, द्रौपदी मुर्मू जी का दिया. आई थिंक वंडरफुली डन, वेरी क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली यू आर ट्राइंग टू पुट अप. सो दिस विल रियली गो टू हेल्प यू वेरी सून. पीस कैन बी इम्प्लीमेंटेड इंटरप्रेटेड एज वेल एज एक्सटर्नल. ठीक है, आपने बताया. उसके बाद आपने कलिंगा वॉर की बात की, एंशियंट टाइम में टॉलरेंट इम्पैथी कॉम्पिटेंट. और उसके बाद आपने एब्सेंस ऑफ वॉर कैसे नहीं है, आपने एग्जाम्पल दिया इंस्पायरिंग वुमेन रानी चेन्नम्मा. उसके बाद आपने रेबेलियन की बात की, इसका मतलब ये है कि राइट स्टेप्स लेने पड़ते हैं. पॉपुलर इम्प्लीमेंटेशन की कॉज एंड लॉजिक ऑफ वॉर की आपने बात की, लेकिन क्वेश्चन कह रहा था एब्सेंस ऑफ वॉर ये सिर्फ पीस नहीं है, पीस उससे ज्यादा है. तो वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि आखिर पूछ क्या रहा है, उसके हिसाब से आंसर को मोल्ड कीजिए. एंड एक्टिव कल्चर ऑफ पीस इज देयर सेवरल रिवोल्यूशनरीज. ठीक है, आप थोड़ा सा इसमें फैल गए, लेकिन कुल मिला के कोशिश अच्छी की, कोई दिक्कत नहीं. आपको सीखना है और आप उस तरफ देखिए. पुरुष प्रधान समाज, स्त्री को निम्न दृष्टि से, हे दृष्टि से देखना, क्षमताओं कम समझना, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक इंजीनियर महिलाओं की, ये सेकंड फर्स्ट पॉइंट इज वेरी गुड. मान्यताओं परंपराओं वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख चुके हैं, और बाकी पॉइंट हमारे कॉमन है, लेकिन आई थिंक फर्स्ट पॉइंट मस्ट बी अप्रिशिएटेड. चलिए आगे. सुधार के लिए जो बात की है, शिक्षा की बात की, स्किलिंग की बात की, सुरक्षा की बात की, ड्रॉपआउट की बात की, ग्रामीण स्तर की बात की, और आपने वन स्टॉप सेंटर जैसी बात की, तो ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं. जैसे दिल्ली में भी अगर आप एग्जाम्पल बोले तो, जैसे पिंक स्लिप मिलती है वुमेन को, उनको बस में कोई किराया नहीं देना होता. अचानक ही उससे वुमेन को एक कॉन्फिडेंस आया, अगर हर रोज वो 20 रुपए किराया दे रही थी, और 20 के बाद भी मान लो उसको बस भी बदलनी थी, तो 30 रुपए अगर रोज का वो खर्च कर रही थी, तो अचानक से उसको हर महीने 1,000 रुपए बच गए. वो 1,000 रुपए हर महीने बचाकर 12,000 का अपने बच्चे के लिए कोई सामान लिया जा सकता है, घर का कुछ सामान लिया जा सकता है, दवाई और किसी और चीज में वो सामान यूज. तो इसी इसी चीज ने आप बस के चल के देखिए, और आप ये समझिए उस बात को. वो ऐसे सिंपल एग्जाम्पल आपको लेके आ रहे हैं कि कैसे कॉन्फिडेंस आता है. अब ये किसी पे हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं है कि 5 रुपए दे दो, कहाँ जाना है मुझे, यहां तक जाना था, मुझे क्यों जाना था, तो वो सब जवाब बंद. आपका मन ही आप उठे और आप चले गए, तो उससे आपकी नौकरी जो आप कर रहे हैं उसमें भी आपको कॉन्फिडेंस आया, आपके 2 पैसे और भी बचे. तो ऐसे एग्जाम्पल आपको आने चाहिए. सार्वजनिक संस्थानों की नैतिक चिंताएं और कार्य संस्कृति निजी संस्थानों से कैसे अलग है. तो निजी संस्थानों की आपने बात की, सार्वजनिक का आपने बताया, बहुत अच्छा बताया शुरू में कि कैसे है, विशेष व्यक्ति सलाह के ना होकर सभी के लिए है. नैतिक चिंताएं जो आपने बताई, जैसे कोरोना आपने बात की, वैक्सीन की बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया. और उसके बाद आपने दूसरे में जो परियोजनाओं की बात की, वो भी आपका एग्जाम्पल अच्छा, पोषण 2.0 का. इसी दिशा में और कोशिश कीजिए तो आंसर बड़ा होगा. वस्तु निष्ठता के अलावा सिविल सेवकों को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते समय विभिन्न नैतिक सुविधाओं को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए सहानुभूति और करुणा की भी आवश्यकता होती है. तो इसमें आपने जैसे बात की, मानव और मशीन में यदि तुलना की जाए, तो मशीन वह सभी कार्य कर सकती है जो मनुष्य करता है, लेकिन वह भावनाएं हैं जो मनुष्य को मशीन से अलग करती है. बहुत अच्छी शुरुआत की, सिविल सेवक की सहानुभूति, करुणा क्यों अनिवार्य है. प्रशांत नायर की आपने बात की, 2 बुजुर्गों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के आपने 2 अपूपा जो एग्जाम्पल दिया. उसके बाद तेरे मेरे बीच में जो आपने समुद्र तट के अपशिष्ट प्रबंधन के निपटने के लिए जो, आई थिंक वंडरफुल एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो सकते हैं, तो उसको और कंक्लूजन की तरफ लेके आइए. नेतृत्व का अर्थ है किसी व्यक्ति का अपने गुणों द्वारा विभिन्न समूह. अच्छा इंट्रोडक्शन, ऑल इंट्रोडक्शंस आर टू बी अप्रिशिएटेड, एवरीवन मस्ट लर्न फ्रॉम दिस. तटस्थ होना चाहिए, समय निष्ठ होना चाहिए. कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना खाऊ से दोस्ती ना खाऊ से बैर. ऐसा एग्जाम्पल देकर भी आपके स्कोर बहुत बढ़ जाएंगे. आपने समय निष्ठा की बात की, आपने पोलियो की दवाई की बात की. आई थिंक वंडरफुली दिस आंसर इज फार मोर कंप्लीट देन द प्रीवियस वंस. नेतृत्व की क्षमता, आई थिंक स्कोर आएगा, एवरेज स्कोर से ऊपर भी आ सकता है अगर आप इसी प्रकार से कोशिश करते रहो, वरना एवरेज स्कोर तो आ ही जाएगा. शांति केवल युद्ध की अनुपस्थिति नहीं है, वह न्याय की उपस्थिति है. तो आचार्य चाणक्य ने जो कहा वो आपने लिखा, राजा प्रजा न्याय नहीं कर सकता, उसका डूबना तय है, न्याय समाज की आधारभूत इकाई है. 1857 की आपने बात की. उसके बाद आपने जैसे उन्होंने रानी चेन्नम्मा और बाकी एग्जाम्पल दिए, लेकिन वो फैल गया था, यानी वो बता नहीं पाए थे. किसान और खेती और मजदूरों की आपने बात की, आपने लघु हस्तकार की बात की. तो आई थिंक ऑन ट्रैक, दिस इज वंडरफुली, क्वालिटेटिवली ऑल आंसर्स आर गेटिंग इंप्रूव. फर्स्ट आंसर भी
कुछ एलिमेंट्स बाकी के आंसर से ले सकता है इन टर्म्स ऑफ यू नो सॉफ्ट एग्जाम्पल्स एंड इन टर्म्स ऑफ कोट्स एंड बाकी आंसर्स आर डेफिनेटली ऑन ट्रैक। हाउ आर एथिकल कंसर्न्स एंड वर्क कल्चर ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। जस्टिस इम्पार्शियलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ एवरी इंस्टीट्यूशन डेवलप्स द ट्रस्ट एंड मोरलिटी एट लार्ज। तो हाउ पूछा था उसने, तो हाउ में आपने बताया मेहनत ज्यादा की है यहाँ पर, अच्छी मेहनत की है, लेकिन हाउ में जब वो बोल रहा है तो पब्लिक को सेंटर में रखिए और प्राइवेट को जैसा मैंने बोला साइड पे, दोनों को आप बराबरी से अगर वैल्यू देंगे तो आपको एवरेज स्कोर से ऊपर आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्राइवेट को पूछा नहीं गया है कि दोनों का डिफरेंस नहीं बताया गया वो कि उससे ज्यादा कैसे है, तो उससे ज्यादा कैसे है तो वो ज्यादा बताने की जरूरत है। बाकी आपने वर्क एफिशिएंसी की बात की, इक्वल वर्क एफिशिएंसी की बात सरकारी भी करता है लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ वेलफेयर, ये लिखने से नंबर आएगा, ना कि ये लिखने से नंबर आएगा कि वो एफिशिएंसी पे फोकस करता है वो नहीं करता। तो आप गवर्नमेंट सेक्टर को या पब्लिक इंस्टीट्यूशन को बैड लाइट में नहीं दिखा सकते। तो इस तरीके से हमारा पहला जो हाफ ऑफ द आंसर है वो एक तरीके से नल एंड वॉइड हो जाता है। टुडे व्हेन कंट्रीज हेडिंग टुवर्ड्स टारगेट, ठीक बात है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ठीक बात है, मैनेजेरियल स्किल्स स्पेशलाइजेशन सॉफ्ट स्किल्स फोकस ऑन एफिशिएंसी, बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद जो चैलेंजेस हैं सबसे बड़ी बात है, जो जो कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस हैं जिसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं हो सकती, जिसके लिए आपको कमिटमेंट और आपको इनोवेट होना पड़ता है, वो चीजें भी सरकारी कार्य में ही दिखाई देती है, दिखाई दी जानी चाहिए। सिविल सर्वेंट की एम्पैथी और कंपैशन की अगर हम बात करें तो टू ऑफिसर सिविल सर्वेंट आर द प्लेसेस ऑफ होप्स एंड जस्टिस ऑफ कॉमन मैन, बहुत अच्छा। ऑब्जेक्टिविटी एम्पैथी कंपैशन वेरी फर्स्ट इंस्टेंस आईपीएस राजीव सिंह दिल्ली पुलिस कंट्रोलिंग एंटी सी ए राइट्स इन शाहीनबाग टुक द सीजर ऑफ आर्म्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, ही शोड एम्पैथी, ठीक बात है, आई थिंक आई लाइक इट, दिस इज अ गुड एग्जाम्पल। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का भी एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, ही हिमसेल्फ विजिटेड क्रिटिकल आईसीयू सेंटर्स केस नंबर 3 तेलंगाना आईएएस परमेश्वर अय्यर श्री सेंसिटिविटी। अब जो एग्जाम्पल बहुत पिट चुके हैं बार बार उनको अपने आंसर्स में लाना बंद कीजिए, क्योंकि उससे आपको नंबर मिलने बंद हो जाएंगे। सो आई थिंक ऑन ट्रैक। जेंडर एटीट्यूड्स की अगर हम बात करें, जेंडर एटीट्यूड एंड डिस्क्रिमिनेशन कन्वर्ट्स बायोलॉजिकल डिफरेंसेस इनटू सोसाइटल डिफरेंसेस, बिल्कुल ठीक बात है। कंस्ट्रेंट चॉइसेस सेक्सो स्टीरियोटाइप्स एंड प्री कंसीव्ड नोशंस लाइक फीमेल बेस्ट सुटेड फॉर सॉफ्ट लाइक टीचिंग चाइल्ड रेयरिंग कुकिंग ड्राइविंग वुमेन सीन विद अप्रिहेंशन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है पैट्रियकल सोसाइटी, बिल्कुल ठीक बात है। मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्क्रिप्चुअल टेक्स्ट आई थिंक अ वंडरफुली रिटर्न पॉवर्टी हंगर एंड लेस पर कैपिटा इनकम वेज टू चेंज विद जेंडर जेंडर सेंसिटाइजेशन एजुकेशन मूवीज एनजीओ। चलिए आगे चलिए, उसके बाद आपने बात की वुमेन की, आपने प्रायोरिटी की बात की, राशन कार्ड में मेन प्रॉपर्टी और लिबरल इंटरप्रिटेशन शक्तिपीठ, आई थिंक दिस आंसर इज डेफिनेटली टू बी अप्रिशिएटेड। लीडरशिप की जहां तक बात आती है, एबिलिटी टू परस्यू, तो कहते कैलाश सत्यार्थी एडवोकेट महेश शर्मा अन्ना हजारे कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स ऑफ लीडरशिप, यमुना बचाओ मनोज मिश्रा जी थे वो, यमुना बचाओ के एंटी करप्शन लीडरशिप इज एक्ट ऑफ हेजिमोनी हेल्प्स इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, ठीक बात है। डीलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट एसएचओ इंद्रलोक दिल्ली वर्क ऑन परसुएडिंग कैपेसिटी डेवलपिंग मैनेजमेंट, ठीक बात, चलिए विद ट्रैफिक मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रिंग द लॉज एंड रूल्स फॉर एग्जाम्पल दिल्ली वुमेन दिल्ली चीफ में, सारे एग्जाम्पल आप दिल्ली के मत दीजिए, सारे एग्जाम्पल आप मेन स्ट्रीम मत दीजिए, उससे एग्जामिनेशन को एग्जामिनर को पता लगता है कि आप इधर से वाकिफ हैं, थोड़ा सा वन हैज टू बी वेरी स्मार्ट। इंपॉर्टेंट क्वालिटीज में स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वर्क एज पर कंडक्ट हम्बल एंड पोलाइट हाई इंटीग्रिटी न्यूट्रल, आई थिंक ऑल एग्जाम्पल का करेक्ट, उसमें आपने प्रोफाइल वर्क नो स्कोप ऑफ बोर्डम बायसनेस, आई थिंक ऑल एलिमेंट्स आर ऑन ट्रैक। और अच्छा जब हो सकता है जब ये छोटे छोटे माइक्रो चीजों को भी ठीक किया जाए। पीस मीन्स रूल ऑफ लॉ एवरी इंडिविजुअल अलाउड टू एंजॉय देयर लाइफ एंड कैपेसिटी एब्सेंस ऑफ वॉर इज नॉट इज जस्ट अ स्टेट ऑफ पीस इन अ टेंजिबल वर्ल्ड बट अ कॉन्स्टेंट वॉर टेक प्लेस, नहीं मतलब आप कहिए रियली में जब डेवलपमेंट होगा रियली में वेलफेयर होगा रियली में इगेलिटेरियनिज्म का प्रमोट करोगे तब आप बोलोगे ना कि रियली में पीस है, तो वो चीज लेके आनी चाहिए थी। थोड़ा सा ज्यादा हो गया, थोड़ा जार्गन हो गया, जियोपॉलिटिकल टेंशन की आपने जो बात की ठीक बात है, लेकिन आंसर जो पूछ रहा है बस उसी पे आप फोकस करके करिए। क्लाइमेट चेंज टेररिज्म इनके आप लड़ाई इनको आप लड़ाई से जब जोड़ सकते हैं जब आप कहेंगे इनका सोल्यूशन जैसे आपने लिखने की कोशिश की, लेकिन वो फिर एक सीक्वेंस में आना चाहिए, तो सीक्वेंस में नहीं आ रहा है वो, थोड़ा हैवी भी हो जा रहा है, लेकिन आई थिंक कोशिश बहुत अच्छी है। जेंडर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स मेन, अब जैसे यहाँ भी क्लासिफिकेशन है तो क्लासिफिकेशन नहीं था पहले के आंसर में, जैसे हमने देखा क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 एंड इवन 3 एंड इवन फोर्थ वाला भी हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन शुड बी टेकन लाइक दैट एंड नॉट इन दिस वे। फिर आपने बताया बायस इन वुमेन स्टेम, ये सब बात ठीक है, फैक्टर्स आपने बताए, सोसाइटल फ्रेमवर्क आपने बताया, लॉ आपने बताया, उसके बाद अनअवेलेबिलिटी ऑफ अवेयरनेस वाली बात जो आपने की, चलो ठीक है, गुड और बैड टच एट यंग एज तो वही है, इसके बदले तो एजुकेशन और सोसाइटल सेक्स एजुकेशन सोसाइटल बिहेवियर ये इसकी वाली बात है। सस्टेन जेंडर अवेयरनेस एट ग्रास रूट लेवल, ठीक बात है, इंक्रीज इन जी ई आर सेफ स्पेस टॉक, दिस इज अ गुड पॉइंट, रोल मॉडल
ये भी ठीक है, पर आप फीमेल को ही क्यों बना रहे हैं, मेल भी इस बारे में काम कर सकता है, थोड़ा सा ब्रॉड आंसर होना चाहिए था। सो वी विल नॉट, वी मे कैन नॉट से दिस इज द बेस्ट वन, द बेस्ट वन मे बी द सेकंड वन एंड द फर्स्ट वन वर आल्सो ऑन ट्रैक लाइक दिस वे, वी एक्सपेक्टेड लिटिल बिट मोर क्लैरिटी इन द आंसर व्हिच इज मिसिंग। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस मोर पब्लिक ड्रिवन अकाउंटेबल, नाउ दिस इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट इट, एथिकल कंसर्न, फिर आप दोनों में बता दीजिए जैसे आपने बताया, बहुत अच्छा, वो अच्छा आपने बताया, फर्स्ट शुरुआत आपने अच्छी की इसकी, और उसके बाद आपने जो ये एक्सेबिलिटी फॉर वुमेन कल्चर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ये बिल्कुल ठीक है, एफिशिएंसी एंड हायर, चलिए आगे चलिए हायर। उसके बाद आपने फिनटेक अडॉप्शन लाइक कॉर्पोरेट स्टाइल ऑफिस, इंसेंटिव बेस्ड वर्क कल्चर, क्लीन एंड सैनिटाइज, आई थिंक दीज आर वंडरफुल पॉइंट्स। और आपने वर्क फ्रॉम होम नहीं पॉसिबल है बिकॉज द पब्लिक गवर्नमेंट इंटरेक्शन एंड सब, दिस इज अ वंडरफुल, आई थिंक दिस आंसर हैज टेकन लीड इन कपल ऑफ वेज, जैसे स्पिरिट की बात की, प्रॉफिट की बात की, गुड ऑफ बोथ, आई थिंक ऑन ट्रैक, बहुत अच्छा है, पहले से थोड़ा आगे चला गया, अच्छा है। हम बात करें एम्पैथी एंड कंपैशन की, तो उसके बाद इंदौर डिस्ट्रिक्ट का आपने एग्जाम्पल दिया, उसके बाद आपने ऑयल स्पिल का एग्जाम्पल दिया, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जाम्पल दिया, तो मैंने जैसा कहा एग्जाम्पल थोड़े छोटे हों, साथ में कीवर्ड्स निकल के आए, फिर आपने सर्वाइवर का एग्जाम्पल दिया, डिजास्टर एंड उसका एग्जाम्पल दिया, फॉलोइंग रूल्स एंड प्रोटोकॉल कोड ऑफ कंडक्ट, नॉन पार्टीजनशिप की बात की, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है, एम्पैथी रूट की बात की, लोकल नॉलेज की बात की, तो आई थिंक ठीक है, आंसर लड़ाई कर रहा है बाकी आंसर्स के जैसे, स्ट्राइव करेगा, लेकिन थोड़ी क्लैरिटी आनी चाहिए और थोड़े से और बिंदु सिंपल तरीके से उभरे तो नंबर ज्यादा आएंगे। सैम मानेकशॉ जी परसुएडेड इंदिरा गांधी, आई थिंक गुड स्टार्ट, 1971 एबिलिटी टू परसुएड। तो उसके बाद सिविल सर्वेंट की बात थी, तो यहाँ पर अब आयरनी है कि आपने मिलिट्री एग्जाम्पल ले लिया, तो अब एग्जामिनर के हाथ में कि स्कोर आएगा नहीं आएगा वी डोंट नो, लेकिन एग्जाम्पल अच्छा है। मेंटेनिंग डेकोरम, एनालाइजिंग सेवरल व्यू पॉइंट, उसके बाद बाइंग रिक्वायर्ड टाइम फॉर डिलीवरिंग, उसके बाद आपने शोकेसिंग कोऑपरेटिव स्पिरिट, सेटिंग हाई स्टैंडर्ड ऑफ गवर्नेंस, फाइव क्वालिटीज में आपने कहा गुड लिस्टिंग इज अ वेरी गुड पॉइंट, प्रेजेंटिंग वायबल सॉल्यूशन एंड कोऑर्डिनेशन, ऑब्जेक्टिविटी एंड नॉट फोर्सिंग, आई थिंक ऑल ट्रैक्स ऑल ऑन ट्रैक, वंडरफुली रिटन, नॉट ए प्रॉब्लम, बट देन अगेन इट वॉज फॉर सिविल सर्विसेज एंड नॉट फॉर मिलिट्री। पीस इज नॉट मेयर एब्सेंस ऑफ वॉर, जो हमने इससे पहले आंसर पढ़ा वो थोड़ा सा इसको मतलब वैसे पुट नहीं कर पाया, कोशिश बड़ी की थी लेकिन हुआ नहीं, उससे पहले इतना ब्रॉड नहीं हुआ। तो अब आपने यहाँ पे भी बात की है कि कैसे जस्टिस वॉज नॉट डन, फेलेस्टीन पीपल की बात की, लेकिन यहाँ पर पीस का मतलब एब्सेंस, वॉर का मतलब अगर एब्सेंस है, और पीस का रियल मतलब वही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है, जो वेलफेयर हमारा कहता है, वो आखिरी आदमी को खुशी से रोटी मिल गई कि नहीं मिल गई, अपना सबने पोटेंशियल पा लिया कि नहीं पा लिया, वो है। तो इस आंसर को थोड़ा और ब्रॉड रखना है रादर देन दिस, बाकी हमने एग्जाम्पल बहुत अच्छे दिए हैं, रिजर्वेशन का दिया आपने, कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेटफॉर्म का दिया आपने, नेगोशिएशन विद सेपरेटिस्ट का दिया, बोडोलैंड का दिया, आई थिंक दे आर ऑल वंडरफुल, लेकिन हम अपनी बात को कन्वे नहीं कर पाए, हमने एग्जाम्पल ज्यादा ले लिए। अगर हम देखें मॉडल में क्या है, तो देखिए क्लैरिटी ज्यादा होगी मेरे हिसाब से, देखिए कॉग्निशन, बिलीफ, स्टीरियोटाइप अगेंस्ट वुमेन, इमोशन, नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन, बिहेवियरल टेंडेंसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है आपने 3 पॉइंट रखे, हमने भी रखे लेकिन ऐसे नहीं रखे थे, तो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल में वही सेम फैक्टर्स हैं, आई थिंक नॉट समथिंग डिफरेंट, ओनली द बिगनिंग वॉज डिफरेंट, रेस्ट ऑल आई थिंक ऑन ट्रैक, रेस्ट वी हैव ऑलरेडी डन दैट, चलिए आगे। करिकुलम स्कूल टेक्सट बुक जैसा बात कर रहे हैं, हम बोल चुके हैं ये, डाउरी की बात हमने नहीं की थी, ऑनर किलिंग की बात हमने वैसे नहीं की, लीगल हमने उसकी बात नहीं की, कैसे होगा, इनकलकेट में इंक्रीज इंटरेक्शन, प्रोवाइडिंग वुमेन इक्वल प्लेटफॉर्म, रोल मॉडल, सेलिब्रिटीज, चेंज इन एटीट्यूड, ये सब हम देख चुके हैं, तो वी आर ऑल्सो ऑन ट्रैक लाइक दैट, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड में आप जब देखते हो, देखो कल्चर, वर्क कल्चर रेफर टू सेट ऑफ वैल्यूज, तो इन्होंने देखो कैसे बनाया उसको, सिंबल्स, वैल्यूज, अजम्पशन, वर्क कल्चर को इन्होंने बताया, इन्होंने पब्लिक और प्राइवेट को इन्होंने भी ऐसे डिवाइड किया, लेकिन वो पूछ पब्लिक कर रहा है, तो ये आसान तरीका है, प्रॉफिट मोटिव है, एफिशिएंसी की बात इन्होंने भी की, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है वो, लेकिन ठीक है अगर हम भी मतलब ऐसा करते हैं तो आई डोंट, आई एम नॉट श्योर कि वेदर वी आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ मार्क्स, बट देन वी कैन लर्न कपल ऑफ आइडियाज फ्रॉम हियर ऑल्सो, इट विल ब्रिंग एफिशिएंसी, तो एक्सपर्टीज, टेक्नोलॉजी, प्रॉफिट्स, देखिए कम एग्जांपल्स हैं लेकिन क्लैरिटी के साथ सिंपल सेंटेंसेस हैं, तो वी कैन कट डाउन ऑन सर्टेन एग्जांपल्स एंड वी कैन ऑल्सो मेक इट टू मोर स्ट्रीमलाइन, हमारे में ज्यादा मसाला है वो भर रहा है ज्यादा, वो एफर्ट उसको जितना मिलना चाहिए उतना ही दीजिए, ज्यादा करने से भी स्कोर नहीं बढ़ेगा, चलिए आगे। तो एम्पैथी और कंपैशन की जब बात करते हैं, तो ओवर फोकस ऑन ऑब्जेक्टिविटी इज रेमिनेंट ऑफ वेबेरियन मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी दैट फेल्स टू अचीव, ये एक तगड़े तरीके से इन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ में जो बात रखी वो आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिविटी के साथ एम्पैथी कंपैशन को कैसे लेके आए, गोल बताया, फिर एग्जांपल नहीं दिया, पहले समझाया, रिसेंटली इन छत्तीसगढ़ यंग गर्ल डाइड बिकॉज शी वाज नॉट गिवन फूड ड्यू टू लैक ऑफ डॉक्यूमेंट, तो ये छत्तीसगढ़ नहीं है, ये आई थिंक झारखंड की बात होनी चाहिए, एंड उसके बाद जो है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक कॉन्टैक्ट, ऑब्जेक्टिविटी, कंपैशन, आई थिंक वी ऑल्सो डन दैट, वी नीड टू सिंपल, वी नीड टू बी मोर सिंपल, वी नीड टू ब्रिंग इट मोर क्लैरिटी, डोर डोर स्टॉप डिलीवरी एंड ऑल दैट, आई थिंक ऑन ट्रैक, ऑल ऑफ यू कैन
बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट राइटिंग बेटर आंसर्स। चलिए मूव फॉरवर्ड। लीडरशिप का भी यही है, इफेक्टिवली रेफर्स टू परसुएडिंग, आपने बताया। उसके बाद महात्मा गांधी जी के एग्जांपल दिया, फ्रीडम स्ट्रगल की बात हुई आपने, ओपन डिफिकेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, परसुएशन की आपने एग्जांपल दिया मैनी टाइम्स। चलिए आगे, लोकल पीपल बिल्कुल मना करेंगे, ये अच्छा है। पॉइंट नंबर टू इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने नहीं लिखा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हुई। चलिए आगे चलिए, उसके बाद लेजिटिमेट अथॉरिटी की बात की, उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की, वॉक द टॉक की बात की, लीडरशिप बाय एग्जाम्पल की बात की, सोशल स्किल की बात की। थोड़ा सा अलग, हल्का सा अलग है, बाकी बहुत ज्यादा अलग हम कह नहीं सकते। पीस क्वेश्चन में जब हम बात करते हैं तो इसके ब्रॉड सेंस में लिया, अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी जैसे जस्टिस, लैक ऑफ इक्विटी, डिस्क्रिमिनेशन, इससे ही नंबर आ गया। उसके बाद उन्होंने मलाला यूसुफजई का एग्जाम्पल दिया, उसके बाद उन्होंने कोफी अनन का एग्जाम्पल दिया, उसके बाद यूएसए इसराइल का लास्ट में दिया। हमने उन चीजों को ज्यादा कॉम्प्लेक्स करके जो हमें नहीं करनी चाहिए थी, रशिया यूक्रेन वॉर की बात की, उसके बाद उन्होंने जो है सेपरेट रिपार्टिशंस की बात की, एग्रीव पर्संस की बात की, नैरो इंटरप्रिटेशन की बात की। तो पीस का इन्होंने भी किया, लेकिन हमने भी किया था, हमने बस अप्रोप्रिएट प्लेस पे रखना है, थोड़ा करना है, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस उसको लेके आना है। दैट्स ऑल वी कैन टेक फ्रॉम हेयर।